हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपसे बात करूंगी व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन टेक अगर आप वेट लॉस के लिए अभी शुरू कर रहे हैं। इट इज जस्ट द राइट टाइम, कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। बट कौन से स्टेप्स लें, काफी लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे स्टार्ट करें जर्नी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिगिनिंग में हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी और हम पे इतना ज्यादा प्रेशर भी ना है। बिकॉज जो लोग बहुत सारी चीजों को लेकर स्टार्ट करते हैं वेट लॉस, वो बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं बिकॉज इतनी सारी चीजों को हैंडल करना इजी नहीं होता एट एन अर्ली स्टेज। सो मैं सिंपल तरीके से आपसे शेयर करूंगी, इफ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस और आप अभी बिगिनर हैं तो आप ये सब स्टेप्स ले सकते हैं। दे आर 3 to 4 स्टेजेस ऑफ वेट लॉस अकॉर्डिंग टू मी। और सबसे पहले जो स्टेज है दैट इज योर डाइट स्टेज। सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर फोकस करना है एंड देन वर्कआउट भी लो रखना है, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और डाइट में भी चेंजेस को मॉडिफाई करके धीरे धीरे आप बेटर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला स्टेप है यू नीड टू एलिमिनेट फूड विच आर टॉक्सिन। आपको टॉक्सिक फूड अपनी डाइट से निकालने हैं और डिटॉक्स करने वाले फूड्स या फिर जो फूड्स आपके लिए हेल्दी होते हैं वो इंट्रोड्यूस करने हैं। टॉक्सिक फूड कौन से होते हैं? जितने भी ये फूड हैं, प्रोसेस्ड, रिफाइंड और पैकेज्ड फूड हैं, ये टॉक्सिक फूड हैं। सो मैदा जो है, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, इन्हें अपनी डाइट से आप हटा दीजिए, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जो फूड आपको डिटॉक्स करने में, जो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनको अपनी डाइट के अंदर लेकर आ जाइए। तो ये था सिंपल सा पहला स्टेप। मैक्सिमम होम कुक्ड फूड आपको खाना है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। कोशिश करें नेचुरल फ्रेशली कुक्ड फूड खाएं, ना कि फूड जो कहीं स्टोर हो या फिर पैकेट से निकला हो या फिर फ्रोजन हो। सेकेंड जो है, प्रोटीन इंटेक पर आपको ध्यान देना है। प्रोटीन का कंजप्शन आपको अभी से इंक्रीज करना है जब आप वेट लॉस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वर्कआउट का बात करूं तो सिर्फ वॉकिंग आप शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में वेट लॉस के लिए। जिस जिम ज्वाइन करके इमीडिएटली अगर आप कोशिश करेंगे आप डंबल्स उठाने लग जाएं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जस्ट फॉर 1 to 2 weeks आप वॉकिंग के थ्रू अपना स्टेमिना और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करें। ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं आप। वॉकिंग पे मैंने कभी वीडियो शेयर किया था, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उससे कुछ टिप्स आपको मिल जाएंगी कि बिगिनर्स के लिए वॉकिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं। देन इंक्लूड सम सुपर फूड्स इन योर डाइट, जैसे कि चिया सीड्स है, जितने भी ग्रीन पाउडर आते हैं, बार्ले ग्रास का पाउडर आता है, व्हीट ग्रास का पाउडर आता है, मोरिंगा है, ये सारी चीजें हेल्दी होती हैं। जस्ट एड ऑन करेंगे आपके डाइट के अंदर हेल्दी चीजों को। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके यू कैन स्टार्ट विटामिन डी, यू कैन स्टार्ट फिश ऑयल, यू कैन स्टार्ट फ्लैक्सीड ऑयल। सो ये सारी चीजें एड ऑन कर सकते हैं। बट ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो एक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद आप स्टार्ट करें या फिर गेट इट चेक्ड कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं। देन एड प्रोबायोटिक्स टू योर डाइट। प्रोबायोटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्दी एंजाइम्स के लिए, आपकी गट की हेल्थ के लिए। नाउ ये तो थी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज आपको शुरुआत करनी है पानी के इनटेक पर ध्यान देने के साथ। अब तक हमने डाइट पे ध्यान दिया है, लेकिन पानी के इनटेक पे हम सेकेंड स्टेज से ध्यान देंगे। वो है 35 ml पर kg ऑफ योर बॉडी वेट फ्लूइड आपको लेना है। साथ ही इंटरमीडिएट फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो आप अभी ट्राई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इट्स बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टाइम ईटिंग। आप चाहें तो इसे 12:12 से भी शुरू कर सकते हैं और साथ ही डिनर भी 2 to 3 hours पहले सोने से आप फिनिश कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने वर्कआउट को इंक्रीज करने के लिए आपकी इंटेंसिटी को आपको बढ़ाना है, एक फिक्स्ड आपको टाइम रखना है। अगर आप अभी तक वॉक कर रहे हैं तो जस्ट गिव 20 minutes, उसके अंदर आप कोई ना कोई वर्कआउट कोशिश करें कि एक HIIT जैसा वर्कआउट आप इंक्लूड करें ताकि मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिले। लेकिन अगर आपके लिए ज्यादा है, इफ यू आर समवन हुज अबव 50, तो आप नॉर्मल योगा और स्ट्रेचिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डेडिकेटेड आवर आपको या डेडिकेटेड टाइम आपको रखना है वर्कआउट के लिए, ये है सेकेंड स्टेज। देन आपने पहले उसे होम कुक्ड अगर मील स्टार्ट कर दी है खानी, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेन मील्स पर फोकस करते हैं। सेकेंड स्टेज में आपको अपने स्नैक्स पर भी फोकस करना है। तो स्नैक्स जो भी आप लें, अगेन आई हैव शेयर्ड अ वीडियो, स्नैकिंग इज इम्पॉर्टेंट। स्नैकिंग आपको ओवर ईटिंग से प्रिवेंट करता है जब आप मेन मील खाते हैं, और आपकी क्रेविंग्स अगर कंट्रोल में रहेंगी तो स्ट्रेस नहीं होगा आपकी बॉडी पर। अगर अभी अपने वर्कआउट का इंटेंसिटी को इंक्रीज किया है तो प्रोटीन के इनटेक को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना। इंटेंसिटी को बढ़ाने के साथ साथ आप कार्डियो के अंदर
वेट ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ इससे इम्प्रूव होगी, आपकी मसल्स टोन होंगी और फैट बर्न ज़्यादा होता है वेट ट्रेनिंग में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में देन जस्ट कार्डियो, आपकी बॉडी को टोन अप करने में हेल्प करेगा। पोर्शन साइज पर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, ईटिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीवी देखकर खाते वक्त, काम करके खाते वक्त अगर आप खाना खाएंगे तो ना तो आपको पता लगेगा कि आपका स्टमक फुल हो गया है कि नहीं, क्योंकि आपका माइंड वो सिग्नल नहीं रीड कर पाएगा बिकॉज वो कहीं और लगा हुआ है। दूसरा, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो भी बिगड़ जाएगा। सो ईटिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एड हर्ब्स एंड स्पाइसेस टू योर डाइट। हर्ब्स जैसे कि सिनेमन है, फेन है, टर्मरिक है, ये कोई मेजर चेंजेस नहीं करेंगे लेकिन आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे बूस्ट करने के। आप एक वीकली डिटॉक्स फॉलो कर सकते हैं स्टेज 3 के अंदर, विच आई फॉलो, दैट इज हफ्ते में एक दिन टेक अ ब्रेक फ्रॉम ग्रेन्स और जितने भी हैवी पल्सेस एंड लिग्यूम्स आते हैं, गो ऑन अ वेजिटेबल एंड फ्रूट डाइट फॉर वन डे। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी आप अपनी डाइट से निकाल दें एंड दैट डे डू नॉट वर्कआउट। वर्कआउट से छुट्टी लेना है आपको हफ्ते में एक दिन एंड यू हैव टू गो ऑन अ डिटॉक्स डाइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर गट, फॉर योर स्टमक। यूज टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं लाइक ट्रैकर्स। आप अपनी स्लीप टाइम, अपना वर्कआउट टाइम, अपना वाटर इनटेक सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। हर तरह की टेक्नोलॉजी है। अपने स्टेप को आप काउंट कर सकते हैं, कितना आपने चला है, कितनी कैलोरीज बर्न की है, कितना आपने किलोमीटर्स कवर किया है थ्रू टेक्नोलॉजी, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू ट्रैक, लेकिन आपके प्रोग्रेस को भी बताता है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है पिछले कुछ। ये सब चीजें आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप एज अ हैबिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इन हैबिट्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर जब तक आप इन्हें कॉन्शियसली नहीं करेंगे। हैबिट्स क्या होते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप ब्रश करते हैं, इट्स अ डेली हैबिट, लेकिन क्या आप कॉन्शियसली करते हैं डेली ब्रश? सिर्फ ऐसे घुमाने से आपके दांत साफ नहीं होंगे। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू टू पे अटेंशन कि आप कैसे कर रहे हैं, किस तरह से, अदरवाइज आपके दांत हैं जो वो खराब हो जाएंगे, वैसे आपकी हेल्थ है। सो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो कॉन्शियसली आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। सिर्फ हैबिट बनाकर उन्हें डेली बेसिस पे एज अ रोबोट करना विल नॉट बी सफिशियंट, क्योंकि उससे वेट प्लेटू हो जाएगा। वेट मैनेजमेंट अगर आपको करनी है तो कॉन्शियसली सारी चीजें करनी होगी। लास्ट में कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इन सभी चीजों के साथ आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये सारी चीज बेमतलब की हो जाएंगी। आपको स्लीप अच्छी तरह करना है, क्वालिटी स्लीप लेनी है, लुक फॉर फूड एलर्जी। जरूरी नहीं है कि किसी ने बोला है वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपको सूट नहीं कर रहा है फिर भी आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना लें, साथ ही इन्जॉय करें इस प्रोसेस को और कोशिश करें इस पूरे प्रोसेस में आप अपने लाइफस्टाइल को परमानेंटली चेंज करें, ना कि टेम्परेरली। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।